Students over you all. I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number six acids, alkalis bases, and salt. Today, we are going to uh, read another topic pH and its ranges 0 to 14 in aqueous medium, page number 99. So, let's get started. Pure water ionizes very slightly into the hydrogen and hydroxide ion, however, the concentration of hydrogen ion H positive and hydroxide ion OH negative. इन प्योर वाटर आर इक्वल ठीक है इसको हम समझते हैं आपके पास एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन कौन सा है वाटर का ठीक है प्योर वाटर ठीक है प्योर वाटर ठीक है अब जब प्योर वाटर आयोनाइज होता है ठीक है आयोनाइज होने के बाद इसमें दो चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं एक आपके पास होता है हाइड्रोजन आइन और एक आपके पास होता है हाइड्रो ऑक्साइड आइन एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव ठीक अब अब है फॉर एग्जाम्पल कि जब वाटर आयनाइज हुआ तो फोर हाइड्रोजन पॉजिटिव थे और फोर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड नेगेटिव थे ठीक है सपोज करें मतलब ये कि हाइड्रोजन भी हाइड्रोक्साइड आइन या कह सकते हाइड्रोजन आयन जो है वो भी आ, इक्वल है वो भी फोर है और हाइड्रो ऑक्साइड आइन भी फोर है मतलब ये कि इक्वल अमाउंट में आपके पास हाइड्रो हाइड्रोजन आइन भी प्रोड्यूस हुआ और आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी प्रोड्यूस हुआ जी समझ आ गई ठीक है सो so, वो सोल्यूशंस जिनमें इक्वल अमाउंट होती है हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की वो सॉल्यूशंस आपके पास क्या होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं न्यूट्रल सोल्यूशंस समझ आ गया न्यूट्रल सोल्यूशंस वो होते हैं जिसमें इक्वल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन भी हो और इक्वल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन भी हो मतलब अगर फोर हाइड्रोजन आयन है तो फोर ही हाइड्रोक्साइड आयन है ठीक है अगर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हुए हैं तो वो सॉल्यूशन आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं और आपने पढ़ा था कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो आपके पास सेवन होता है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि पीएच किस सॉल्यूशन का सेवन है वाटर का प्योर वाटर का क्यों क्योंकि प्योर जो वाटर था वो इक्वल अमाउंट में आयनाइज हुआ था मतलब इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ उसमें हाइड्रोक्साइड आयन थे और हाइड्रोजन आयन थे ठीक है दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी किसकी कंसंट्रेशन सेम थी हाइड्रोक्साइड आयन की और हाइड्रोजन आयन की ठीक है दैट्स वाई जो वाटर है वो न्यूट्रल सोल्यूशन में कंसिडर होता है ठीक ओके हाइड्रोजन आयन कंसेंट हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज वन एसिड्स आर डिजोल्व इन वाटर आपने पहले दिन से ये चीज़ पढ़ी थी कि एसिड में क्या चीज़ होती है हाइड्रो हाइड्रोजन आयन एज पॉजिटिव तो जब किसी भी एसिड को हम डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी समझ आ गई है जैसे मेरे पास दो सोल्यूशन हैं मैंने दो बीकर लिए हैं ठीक है एक बीकर में मैंने एसिड डाला हुआ और एक बीकर में क्या है वाटर ठीक है समझ आ गई जब एसिड को मैंने डिजोल्व किया वाटर के अंदर तो मेरे पास हाइड्रोजन आइन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुए इस वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर मैंने एसिड ऐड किया था उसमें किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी हाइड्रोजन आयन की ठीक है अब आगे पढ़ते हैं अल्कलीज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिक्रीजेस दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर एज़ कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन अब इसका क्या मतलब है मैंने क्या किया कोई भी बेस या आप कह सकते हैं कोई भी अल्कली ठीक है मैंने ली उसको मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया ठीक है बेस या अल्कली को वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ हो, डिसॉल्व होने की वजह से किसकी कंसंट्रेशन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, हो जाएगी और एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी समझ आ गया आपको पता है ना कि बेसिस के अंदर जो अल्क्रीज होते हैं वो प्रोड्यूस ही ओ एच आइन करते हैं ठीक है सो अगर आप किसी भी बेस को वाटर के अंदर ऐड करेंगे ठीक है तो उसमें ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और जो हाइड्रोजन जो एज पॉजिटिव है इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी समझ आ है ये चीज़ बताई है इसमें नेक्स्ट मेरे बस क्या है द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन इन सोल्यूशन द स्ट्रोंगर द एसिड इज वो सोल्यूशन ठीक है जिसके अंदर द ग्रेटर द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन्स इन सोल्यूशन किसी भी जब वो सोल्यूशन जिसके अंदर एज पॉजिटिव ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे या जिनकी कंसनट्रेशन सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगी वो एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे कौन से एसिड स्ट्रोंग होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन आइन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है या ये कह सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है ठीक है वो एसिड क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं द लेसर देशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन इन द स्ट्रॉगर द अल्कलीट अच्छा अब क्या होगा अभी हमने ये पढ़ा था कि अल्कलीज वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं तो हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है ऑब्वियसली अब यहाँ पेगाट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जब हाइड्रोजन एच पॉजिटिव कम मकदार में होंगे या जिनकी कंसन्ट्रेशन कम होगी किसके अंदर सोल्यूशन के अंदर और ओ एच नेगेटिव की कंसन्ट्रेशन ज़्यादा होगी सोलूशन के अंदर तो वो हमारे पास स्ट्रॉगर अल्कलीज होंगे ये चीज़ याद रखिएगा कि वो सोल्यूशनस जिनके अंदर एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आइन की कंसन्ट्रेशन ज़्यादा होती है वो सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं ठीक है थीके? और वो सोलूशन जिनके अंदर ओ OH एच की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वो आपके पास क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलीज़ होते हैं हाउ एवर द स्केल विच इज़ यूज टू मई द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कलीज इन एक्वेट सोल्यूशन इज बेस्ड ऑन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रो हाइड्रोजन आयन विच इज़ टर्म एज पी एच ठीक है हमने लाल कल देखा था कि पी एच क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन ठीक है अगर हमने ये फाइंड करना हो किसी भी एसिड की या अल्कली की स्ट्रेंथ को फाइंड करना हो तो हमारे पास एक जो है वो पीएच uh, स्केल होता है जिसकी हेल्प से हम हम फाइंड uh, कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है या अल्कलीज़ है कौन सा सोल्यूशन स्ट्रॉग अल्कली है कौन सा सोल्यूशन वीक अल्कली है ठीक है कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा ऐसा सोल्यूशन है वो स्ट्रॉग बेसिस है ठीक है ये सब कुछ हम तब चेक कर, कर चेक करते हैं जब हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन मतलब हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन पर बेस करता है ये सारा ठीक है ये देख लेते हैं अभी

हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आइन आर न्यूट्रल सोल्यूशन अभी हमने न्यूट्रल सोल्यूशन में एक एग्जाम्पल पढ़ी थी वाटर की कि जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन आइन भी होते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ हमारे पास हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आइन होते हैं तो वो सोल्यूशन जिनमें हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आइन इक्वल अमाउंट में हो वो हमारे पास सोल्यूशंस कौन से होते हैं जो है न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं दे हैव पी एच वैल्यू सेवन ये देखें ये वाले जे इनकी वैल्यू क्या होती है इनका पावर ऑफ हाइड्रोजन सेवन होता है ठीक है और ये न्यूट्रल होते हैं सेवन जो है वो यूज किया जाता है उन सॉल्यूशंस के अंदर जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड आइन हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन इक्वल अमाउंट में होती है ठीक है पी एच सेवन इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी एच स्केल पी एच सेवन जो है ये आपके पास क्या है मिड पॉइंट है पीएच स्केल का ये पी एच स्केल है इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या है पी एच सेवन ठीक है द सोल्यूशन विद हाई कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन वो सोल्यूशन जिनके अंदर हाइड्रोजन एच पॉजिटिव ज़्यादा अमाउंट में होगा विल विल हैव लोअर देन सेवन वैल्यू ऑफ पी एच ठीक है जीरो से लेके सिक्स तक जितने भी सोल्यूशंस uh, होंगे ठीक है या जितने भी सोल्यूशंस की कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन uh, में हाइड्रोजन आइन ज़्यादा होगा वो सोल्यूशंस जिन में हाइड्रोजन आइन ज़्यादा होगा उनकी वैल्यू ज़ीरो से लेके जो है सिक्स तक होगी ठीक है समझ आ गई है पी एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव जिसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगी उनकी वैल्यू जीरो से लेके सिक्सटीन तक की होगी ठीक है और ये जीरो से लेके सिक्सटीन तक जितने भी सोल्यूशन होंगे ये एसिडिक होंगे समझ आ गए आप द सोल्यूशन विद लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन देन डेट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन विल हैव द विल हैव ग्रेटर देन सेवन वैल्यू टू पीएच ठीक है वो जिन जिनमें हाइड्रोजन आयन हाइड्रो एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम होगी और ओ एच नेगेटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी या आप कह सकते हैं वो सोल्यूशन जिनमें हाइड्रोजन आयन कम होंगे और ओ एच हाइड्रोक्साइड आइन ज़्यादा होंगे उनकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी ठीक है एट से लेके 14 तक समझ आ गया वो सॉल्यूशंस जिन में हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो किस वैल्यू में लाए करेंगे जीरो से लेके 6 सिक्स तक और वो सॉल्यूशंस जिन में ओ OH एच की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कम होगी वो वो किस वैल्यू में लाए करेंगे एट से लेके कर तक सोल्यूशन्स विद लोअर पी एच वैल्यूज आर स्ट्रॉन्ग एसिड वो सोल्यूशन जिनकी पी एच वैल्यू कम होगी ठीक है अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन से ऐसे सोल्यूशंस हैं जो स्ट्रॉन्ग है जिनकी वैल्यू ज़ीरो से लेकर टू तक लायक आ रही है सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो ठीक है वो सोल्यूशंस जिनकी पी एच वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी जिनमें देखें सोल्यूशन विद लोअर पी एच वैल्यूज आर रेंजेज एसिड ठीक है यहाँ पे लोअर का पीएच वैल्यू देखें तो जीरो से लेके टू तक है यहाँ पे देखें यहाँ पे जीरो से लेके टू तक है अब यहाँ पे पीएच वैल्यू क्या है कम है लो है जब पीएच वैल्यू लो होगी तो वो सॉल्यूशंस आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे ठीक है या स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम उनको बोलेंगे ठीक है द पी एच वैल्यू दोल्यूशन विद हायर पी एच वैल्यू आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज अगर यहां पर आप देखें तो यहाँ पे ट्वेल्व टू फोर्टीन से ट्वेल्थ uh, से लेके फोर्टीन तक जो पी एच वैल्यू है वो क्या है uh, ज्यादा है ना हायर पी एच वैल्यू ज्यादा है तो इस वजह से वो सोल्यूशन क्या होंगे स्ट्रॉन्ग अल्कलीज होंगे द हायर द पी एच वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन द स्ट्रॉगर द अल्कलीज दे आर अब जितनी ज़्यादा अल्कली जितनी ज़्यादा जो है वो पीएच वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी ठीक है यहाँ पे देखें यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है पीएच वैल्यू अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी पीएच वैल्यू इसकी इससे ज़्यादा होगी ठीक है नहीं एट की पीएच वैल्यू कम होगी नाइन से नाइन की पीएच वैल्यू टेन से कम होगी टेन की पीएच वैल्यू एलेवन से ज़्यादा से ज़्यादा होगी ठीक है अब यहाँ पे इलेवन से कम होगी तो मतलब कि एट की पीएच वैल्यू एट से लेके 11 तक जितनी भी वैल्यूज थी जितने भी सॉल्यूशंस थे या या हम ये कह सकते हैं एट से लेके इलेवन तक जो पावर ऑफ हाइड्रोजन थी वो क्या हो रही थी इंक्रीज होती जा रही थी ना एट के बाद इंक्रीज हो रही थी नाइन की नाइन की टेन टेन से इंक्रीज हो रही थी टेन के बाद इलेवन जो है उसमें पी वैल्यू ज़्यादा हो रही थी ठीक है तो द हायर द पी वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन जैसे जैसे पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की या हम कह सकते हैं किस जिस भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो वो सोल्यूशन क्या होगा स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा इसी तरह जिस सोल्यूशन की पी एच वैल्यू क्या होगी आ, ये देखें यहाँ इनकी पी एच वैल्यू लो है ना ठीक है सिक्स जीरो से लेकर सिक्स तक के जितने भी सोल्यूशन होंगे उनकी पी एच वैल्यू क्या है लो है ठीक है उनमें हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन कम है तो वो आपके पास क्या होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड uh, होंगे और जिनमें पी एच वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपके पास स्ट्रॉन्ग अल्कली होंगे ठीक है ये चीज़ समझ आ रही है ये इस टॉपिक में बताया गया था अब यहाँ पे हम टेबल देख लेते हैं पीएच वैल्यू ऑफ सब कॉमन सब्सटेंस आर गिवन इन टेबल सिक्स पॉइंट फाइव सब्सटेंस हम आपका प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच वैल्यू जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन या कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसन्ट्रेशन कम है जब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम होगी तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा समझ आ गई इसका मतलब है प्योर सुल्फूर, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है गैस्ट्रिक जूसेज इन स्टमक ठीक है जैसे हमारे पास एच सी एल है एच सी एल क्या होता है जो भी हमारे पास जूसेज होते हैं स्टमक के अंदर उनको उनके लिए एज एंटीसेप्टिक यूज होता है ठीक है तो जो तो स्टमक के अंदर जितने भी गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं उनके पी एच वैल्यू वन है ठीक है मतलब सबसे स्ट्रांग कौन सा है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग क्यों है क्योंकि इसमें हा, जो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन है वो क्या होगी कम हो जाएगी उनमें उनकी जो पी एच वैल्यू ना वो लो होगी ठीक uh, है द सोल्यूशन विद लोअर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन देन डैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल हैव द ग्रेटर ग्रेटर देन सेवन वैल्यू ऑफ पी एच ठीक है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेम आपके पास लेमन जूस है इसकी कंसन्ट्रेशन टू होती है विनेगर थ्री टोमेटो जूस में पी एच वैल्यू जो पी एच वैल्यू होती है टोमेटो जूस की फोर होती है विनेगर की पी एच वैल्यू थ्री है लेमन जूस की टू है सो so ये आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें हर किसी की पी एच वैल्यू आपको डिफाइन uh, की गई है ओके लास्ट टॉपिक इज पीएच मीटर ठीक है ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा ये क्या है पीएच मीटर है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मैयर द एग्जैक्ट पी एच ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड पी एच मीटर ठीक है किसी भी सोल्यूशन की एग्जैक्ट पी एच वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कहते हैं पी एच मीटर वेन दलैक्ट्रोड ऑफ पी एच मीटर इज डिप्ट इन द सोल्यूशन आप बस ये देखें ये क्या है इलेक्ट्रोड्स हैं ठीक है थीके? इनको जब किसी भी सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है द रीडिंग ऑफ इट्स पी एच अपीयर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले ऑफ पी मीटर तो इसकी रीडिंग जो है इस ये जो होता है ये डिस्प्ले जो होता है इसके ऊपर शो हो जाती है ठीक है ये आपके पास क्या है एक स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो है वो मिल जाती है ठीक है सो वो सॉल्यूशन जिसमें हमें किस वो इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करते हुए हम सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच वैल्यू को फाइंड करते हैं वो हमारे पास क्या होता है पीएच मीटर ठीक है सो यहाँ पे पीएच स्केल्स uh, uh, था या जो पीएच रेंजेस तक जितनी जो, जो भी टॉपिक्स थे वो यहां पे एंड हो चुके हैं टुमारो वी विल गोइंग टू स्टार्ट द इंडिकेटर्स थैंक यू सो मच